देखिए आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग VVA के अंदर फंक्शन बनाना सीखेंगे कि फंक्शन होते क्या हैं। अब तक हमने VVA के अंदर, एक्सेल VVA के अंदर हमने लूपिंग कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है, साथ साथ एक्सेल के ऑप्शन सीख लिए। आज हम एक्सेल के फार्मूले बनाना सीखेंगे। सर फार्मूले क्यों बनाए जाते हैं? फार्मूले अपने काम को ईजी करने के लिए बनाते हैं। चलो मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखता हूँ, मैंने यहाँ ABC लिखा, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, इसके अंदर इस तरीके से नंबर लिखें। मैं आपसे कहूँ कि इस नंबर में से आप नंबर को अलग कर दो और टेक्स्ट को अलग कर दो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल के अंदर कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको नंबर को अलग करके दे और टेक्स्ट को अलग करके दे। तो सर इस केस के अंदर हम खुद के अपने फार्मूले बनाते हैं और अपने काम को ईजी करने के लिए, तो उस केस के अंदर आप कहाँ जाएंगे? डेवलपर टैब में आएंगे, विजुअल बेसिक पर जाएंगे। जब भी आप कोई फार्मूला लिखोगे तो हमेशा वो मॉड्यूल्स पर ही लिखोगे। सबसे पहले फार्मूले के लिए आप लिखोगे फंक्शन क्या, और उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम आपको देना है वो फंक्शन का नाम आपको देना है, तो ऑटोमेटिक एंड फंक्शन उठ के आ जाएगा। जब आप फंक्शन का नाम देंगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, नाम ऐसा देना जिससे आपको रिजल्ट फाइंड हो जाए। तो हमारे नंबर फाइंड नंबर, मैं खाली आपको खाली फार्मूले के वे बता रहा हूँ। एक्सेल के VVA के अंदर खुद के भी अपने फार्मूले हैं, और कम से कम नहीं तो वो 100 करीब फार्मूले हैं। हमें वो फार्मूले सीखने, लेकिन फार्मूले किस तरीके से वर्क करते हैं ये याद रखें। जब भी आप कोई फार्मूला डिक्लेयर करते हैं तो उसके तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, और तीन कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने। पहला होता है फार्मूला का नाम डिक्लेयर करना, दूसरा उसकी कैलकुलेशन, और तीसरा उसको असाइन करना। तो अभी हमने खाली फार्मूले को डिक्लेयर करना सीखा है। क्या करना सीखा है? डिक्लेयर करना सीखा है। इसके बाद अब हमारी कैलकुलेशन आती है। क्या आती है? कैलकुलेशन। सबसे पहले इसके अंदर आपको रेंज डालनी है कि आप जो फाइंड करेंगे वो क्या। तो मैंने बोला R एज अ स्ट्रिंग, मतलब जो R पे वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्ट्रिंग। इसका मतलब ये कि जब मैं फाइंड नंबर का फार्मूला लगाऊंगा, तो देखो मेरे एक्सेल में एक फार्मूला बन के आ गया फाइंड नंबर का। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, जो इस पर वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूं, उस पर जो वैल्यू स्टोर हो वो क्या होगी? तो मैंने बोला क्या हो? वो स्ट्रिंग हो। क्लियर है? इतना समझ आ गया। इसके बाद मैंने यहाँ एक और वेरिएबल रखा जिसका नाम बोला डिम R1 एज अ स्ट्रिंग। क्लियर? अब एक प्रॉब्लम आती है कि सर मैं इसको कन्वर्ट कैसे कर सकता। आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला सिखाया था A, अगर मुझे इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास के लिए कोड का फार्मूला था। किस में कन्वर्ट करते हैं? कोड में। और हमारे पास एक कैर का फार्मूला होता है जो किसी भी कैरेक्टर को कोड में कन्वर्ट कर देता है, तो हम इसकी मदद लेंगे यहाँ पर। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? कैरेक्टर कितने से स्टार्ट होता है? आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसे बोलते हैं स्काई वैल्यू। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये स्काई वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी। अगर आप कोडिंग करने जा रहे हैं तो आपको अगर स्काई वैल्यू नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो उस केस में आपको स्काई वैल्यू का पता होना ज़रूरी। मैं आपको बताऊं, रियल में जो स्काई वैल्यू स्टार्ट होती है वैसे तो 1 से लेकर 127 तक चलती है, लेकिन जो अल्फ़ा होते हैं वो 65 से स्टार्ट होते हैं और 127 तक जाते हैं। आप देखो 65 पर A दिया है, 66 पर B दिया है, 67 पर C दिया है, 67 पर डी दिया हुआ है, मतलब ये अलग अलग हमें चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इतना समझ आ गया आपको? ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लूपिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे 4i 65 से लेकर 127 तक चले। किस तक चले? 127 तक चले। कहाँ तक चले? 127 तक चले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो आप यहाँ क्या कर दोगे? 4i 65 to 127। तो मैंने यहाँ कितना डाल दिया? 127। उसके बाद मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला डी के अंदर लगाया रिप्लेस। क्या लगाया? रिप्लेस। रिप्लेस किसको रिप्लेस करना? तो मैंने बोला जो R पर वैल्यू होगी उसको किससे रिप्लेस कर दो? रिप्लेस। फाइंड क्या करना है?
फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आर आई। याद रखना जो कैरेक्टर था उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, कैर के अंदर, और कॉमा कितना रिप्लेस करना है, वन कैरेक्टर। तो वो जब भी चलेगा सबसे पहले ए को रिप्लेस करेगा, फिर बी को, फिर सी को, और जो वैल्यू आए उसे किस पर स्टोर कर दो, आर पर स्टोर कर दो। किस पर स्टोर कर दो, आर पर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो हर बार किसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब आर की वैल्यू क्या बन जाए, डी बन जाए, क्योंकि रिप्लेस हो गया है। फिर नेक्स्ट आई, इसे कहते हैं कैलकुलेशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैलकुलेशन। तो पहला असाइनिंग, दूसरा कैलकुलेशन, और तीसरा क्या होता है, रिजल्ट। तीसरा क्या होता है हमारा, रिजल्ट। क्या होता है हमारा, रिजल्ट। तो आप क्या टाइप कर दोगे, रिजल्ट कॉपी, और यहाँ क्या कर दोगे, आंसर किस पे आएगा, अब आर पे, तो क्या डाल दोगे, आर। अब जैसे ही आप यहाँ लगाओगे फाइंड नंबर का फार्मूला, आपके पास आंसर आ गया। एक गलती हो गई, फाइंड नंबर, क्लियर। आप चाहते हो खाली टेक्स्ट टेक्स आए, नंबर ना आए, तो अब इस फार्मूले में छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं। 46 से लेकर कितना, 49 तक, बस इसको चला दो, नंबर नहीं आए। तो 49 से 7 से 58 तक, नंबर देखो कितने पर स्टार्ट, नंबर स्टार्ट है, तो आप यहाँ 49 9 F5। कोई छोटी मिस्टेक होगी, देखनी पड़ेगी क्या कमी हो रही है, अदरवाइज ये रिप्लेस कर देता हूँ। 147, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर, इतना हो गया, समझ आ गया ये फार्मूला, वर्क समझ आया। तीन तरीके होते हैं, पहला फाइंड होता है, पहला डिक्लेरेशन होती है, कैलकुलेशन, और लास्ट में असाइनिंग होता है। आइए, मुझे एक कॉन्सेप्ट बनाना है ऐसा कि मैं जो भी नाम डालूं, जैसे मैं शाहरुख लिख दूं तो वो अलग अलग हो जाए, मतलब ऐसे आ जाए शाहरुख, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये बता रहा हूँ कैसे बनाना है, तुम पानी पिला दो। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, और नाम रख दो डॉट, डॉट तो नहीं चाहिए ना, चलो नाम रखते हैं ई आर, आर एज अ स्ट्रिंग, यहाँ टाइप कर दिया। उसके बाद हम रख देंगे डिम, डिम तो नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको स्टार्ट करना, लेकिन आप यहाँ इंटीजर मत लो, यहाँ आप लिखो, चलो इंटीजर रहने, हमें इसको अलग अलग करना है, लेकिन कितना अलग अलग करें ये नहीं पता हमें। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4i 1 2 क्या लैन आर, क्लियर। फिर डी जो भी आए वो डी पर डालो, क्या लिखेंगे, डी इन्वर्टेड कॉमा क्या मिड, क्या लिखेंगे मिड। और अब स्ट्रिंग क्या आएगा, आर, स्टार्ट नंबर जो आई पर हो और लेंथ नंबर के पर, बस क्या कर दो नेक्स्ट, और फार्मूले पे क्या कर दो असाइन, डी इंटर मारो या लगाओ ई आर फार्मूला और सेलेक्ट कर दो, आ गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या रहेगा, हाँ, तो आप इसके लिए क्या लगाओगे, लिखोगे इसके अंदर, लगाओगे राइट का फार्मूला और बोलोगे राइट इस पूरे डाटा में से लैन माइनस कर दो 1,
जितनी भी लेंथ है उसमें से क्या माइनस कर दो एक, तो सबसे पहला माइनस कर देगा वो। तो जैसे इंटर मारोगे आपका आंसर। राइट डी आ गया, लैन डी माइनस वन। नहीं वर्क करेगा या सिलेक्ट एंड में एच। अच्छा आखिरी का आर्ट रहा है ना, तो हमें लेफ्ट लगाना होगा ना यहाँ पर। वो आखिरी से कम कर देगा, हमने राइट सही लगाया है। वो देख लेते हैं, सबसे पहले हम माइनस वन करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कितना स्टोर है ये हमें पता करना है। अच्छा एच आ गया, अब डी माइनस वन करना है। डी फार्मूला सही लगाए, डी डी लैंड डी माइनस वन। ये फिर फार्मूला नहीं बनाना हमारा, ये फिर रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हम छोटी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, अदरवाइज फार्मूले का वे तो यही कह रहा है। देखिए छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पर, जब हमने कॉन्कनेट करा था कि स्पेस ज़्यादा ले रखा था, इससे ही फ़र्क आ रहा था, अदरवाइज हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक था जो हमने करा। तो इस केस में हम वन करेंगे, यहाँ पर इसको इंटर मारेंगे और ठीक कर देंगे। क्लियर है, इतना आप समझ आ गया। तो आप इस तरीके से अपने फार्मूले को मेनटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है, वो स्टेप आता है एक और हमें फार्मूला बनाना है, लेकिन जो फार्मूला बनाना है वो स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग रेट और एंडिंग रेट का बनाना है। तो कैसे, मतलब मैं यहाँ जो डेट डालूँ उसके बीच के टोटल सैटरडे काउंट करके बता दें मुझे कितने सैटरडे पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वीवीए के अंदर जाएंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, और जब हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन, फिर फाइंड डे टोटल डेज। और सबसे पहले बोलेंगे इस एक वेरिएबल ले रहे हैं स्टार्टिंग डेट एज अ डेट, एंडिंग डेट एज अ डेट और डेज एज अ स्ट्रिंग। क्लियर, बोलेंगे फॉर आई कब तक चले, स्टार्टिंग की स्पेलिंग याद होगी ना, स्टार्ट
स्टार्टिंग डेट टू एंडिंग डेट के लिए लूप चलेगा, सब बोलेंगे डी। डी फॉर्मेट आई को कन्वर्ट कर दो डी डी, ठीक है, तीन बार डी में कन्वर्ट कर दो, उससे क्या मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा। बोलेंगे इफ अगर तुम्हारा यू केस डी बराबर है डेज के, देन सी प्लस वन कर दो। डी पर जो वैल्यू तुम जैसे तुम फिल्टर लगाओगे तो डी पर एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वो उस वैल्यू को मैच करेंगे जो हमने डेज डाला होगा, वो वैल्यू मिलती है तो सी पर एक जोड़ते जाओ। फिर एंड इफ इफ नेक्स्ट और फिर फाइंड, ठीक है, आप इसको चाहो तो ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, फाइंड टोटल डेज इक्वल टू सी, क्लियर। आप यहाँ लगा दीजिए, मैंने बोला फाइंड टोटल स्टार्टिंग एंडिंग और डेज, चार मंडे कर दो, मंडे पांच पढ़ेंगे, क्लियर। तो आपका टोटल पढ़े पता जाएगा कितने मंडे इस मंथ में पढ़ेंगे। आप चाहते हो कि सर मैं वो डेज डालूं तो मुझे, मैं अगर यहाँ सेकंड लिखूं ना कि मुझे सेकंड बता दो सेकंड मंडे कब है या सेकंड सैटरडे कब है, तो जो डालूं वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले में थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक और फील्ड ऑन करनी पड़ेगी जिसका नाम रखोगे पोजिशन एज अ इंटीजर, कि जो भी मैं दूँ वो मुझे बता दे। उसके बाद क्या करोगे, ये बिल्कुल सेम रखेगा, यहाँ एक और चलाओगे इफ सी अगर बराबर है पी ओ एस के, देन मुझे क्या कर दो, रिजल्ट दे दो सी पर, क्या फॉर्मेट आई इक्वल टू डी डी एम एम वाई वाई और बंद। आप देखो मैंने यहाँ इसको लगाऊं तो एरर देगा, इसके आगे कॉमा लगा दो, क्या डाल दो सेकंड, एक गलती हो गई, मैंने एंड इफ नहीं करा। अब भी एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, अब देखना है एरर क्यों दे रहा है। अगर ऐसा हो तो फिर चेक करो, फिर फॉर्मेट रखो, एंड इफ करो और उसको एग्जिट कर दो। दोबारा लगाते हैं, फाइन टोटल स्टार्टिंग एंडिंग डेज और पोजीशन, वैल्यू की एरर हैं इंटीजर। सी जब भी सी चलेगा तो वो हमें चेक करेगा, दो महीने दिया वो सी के बराबर है तो उसकी एरर। अच्छा एक गलती है, जब वो C की वैल्यू डाल लेगा ना तो उसके बाद इस रिजल्ट को नीचे डाल दो, जब उसको वैल्यू मिल जाए तो फार्मूला यहीं से क्या हो जाए, एंड हो जाए, आगे जाए ना, एंड कर दो और फिर यहाँ फार्मूला इसको वहीं पेस्ट करो, बट फार्मूला क्या करा दो, एंड करा दो, आगे जाना ही नहीं ना, तुम्हें रिजल्ट मिल जाए तुम कहाँ चलो, वहीं। तो यहाँ लगाओ इक्वल फाइंड टोटल स्टार्टिंग एंडिंग डेज और इंटर, अब भी वैल्यू की एरर दे रहा है, सी इक्वल टू एंड हो जाए तो वो सी जब चलेगा तो वो चेक करेगा, तो यू केस में डी। अब देखो एक गलती, छोटे बढ़ेगा तो यहाँ क्या लगा दो, यू केस, तो वही छोटा सा मिस्टेक है हमसे, यू केस। देखते हैं, फाइंड स्टार्टिंग एंडिंग ए और डी, या तुम यहाँ पर डी तुम्हारा कैपिटल में है और तुमने डाला स्मॉल लेटर में तो फ़र्क आ जाता ना, बट अगर ये दोनों आपस में हो तो हमें सी पर वैल्यू को प्लस कर दो, जब सी की वैल्यू बराबर हो जाए पोस की तो सी पर जो वैल्यू, सी की जगह अगर मैं डी कर दूँ, डी पर डी तो ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, एम कर दूं तो यहाँ क्या कर दूं, एम
कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जो हम फाइंड का टोटल का आंसर का जो फार्मूला थे वो फंक्शन की कैलकुलेशन के अंदर डालने थे, जबकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब भी आप करो तो इसको बाहर रखना होता है। तो आपको समझ आए, ये खाली बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप चाहिए आप चाहें तो आप यहाँ पर जो भी डालें वो देख सकते हैं। छः तो होता ही नहीं है, एक कहोगे तो बता देगा, दो कहोगे बता देगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट है ना वो भी डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा। तो आपके रिजल्ट को डेट फॉर्मेट में लाने के लिए अपने आउटपुट को आखिरी में लिख दो एज अ डेट, कि जो भी आंसर आए वो क्या बन जाए, डेट। तो अब जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रॉपर डेट आएगा। अब फॉर्मेटिंग नहीं आ रही तो उसके लिए फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लीजिए। तो जब आपके आउटपुट को भी सही तरीके से लाना हो तो यहाँ लिख दो फॉर्मेट, ठीक है, डीडी एमएम वाई वाई, क्लियर। और उसके बाद से क्या कर दो, एंटर, क्लियर। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट अलग से दिखे तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आज का आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था फार्मूले का, उसके बाद मैं थोड़े और इंट्रोडक्शन दूंगा एंड देन हम वीवीए के फार्मूले स्टार्ट करेंगे।